Hello friend, this I am Anil Kumar Tiwari and I am going to discuss Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana. Because today Cabinet has approved the Pradhan Mantri Matasya Sampada Yojana. Because third tranche of economic stimulus of the 20 lakh crore rupees of Atmanirbhar economic package, 20,000 crore rupees of fishermen through the Pradhan Mantri Matasya Yojana Sampada Yojana ke tahat diya gaya tha, uska approve at cabinet ke through kiya gaya hai. So ab pehle hum log dekhte hain ki what is the position of fisheries in India. India's position in fish production. India's ranked number 2 in the fish output globally. यानी इंडिया नंबर 2 है फिश आउटपुट ग्लोबली में और इंडिया विद अ ह्यूज कोस्ट लाइन टू एन एक्सेस ओवर 7000 किलोमीटर इंडिया रैंक नंबर 2 इन द फिश प्रोडक्शन ग्लोबली. इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 7000 किलोमीटर लंबा है और यह दूसरा नंबर है फिश प्रोडक्शन में. अब थोड़ा सा मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस दिस न्यू स्कीम टू प्रमोट प्रोसेसिंग इन फिश सेक्टर फॉर द न्यूली कार्व्ड आउट द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2019-20 इन पार्लियामेंट. यूनियन बजट 2019-20 के तहत जो नया स्कीम लाया गया जो फिशरी सेक्टर को प्रमोट करे प्रोसेसिंग ऑफ फिशरी सेक्टर को, इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. वाज एस्टेब्लिश अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी फॉर द रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्कीम की स्थापना कब हुई थी और किस मंत्रालय के तहत ये काम करता है. इन विच ईयर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड विच मिनिस्ट्री अंडर दिस स्कीम वर्क्ड. ओके, तो अब न्यूज पे आते हैं. न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY. द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट के तहत जिसको चेयर किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. यह स्कीम क्या करता है? यह स्कीम ब्रिंग अबाउट ब्लू रिवॉल्यूशन थ्रू द सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर इन इंडिया. यह स्कीम एक ब्लू रिवॉल्यूशन लाता है थ्रू सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया. अब ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है? ब्लू रिवॉल्यूशन द कंसेप्ट ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिश एंड मैरिन प्रोडक्ट थ्रू पैकेज प्रोग्राम इज कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन. फिश प्रोडक्शन को रैपिड इंक्रीज करने के लिए, फिश प्रोडक्शन और मैरिन प्रोडक्ट दोनों को रैपिड इंक्रीज करने के लिए एक स्कीम का पैकेज लाया गया. उस पैकेज को ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं जिसके कारण फिशरी और मैरिन प्रोडक्ट को रैपिड इंक्रीज तेजी से उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है. तो ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही यह योजना आएगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. या जो इट वाज लॉन्च्ड या ब्लू रिवॉल्यूशन है वह लॉन्च किया गया 7th 5-year plan 1985-1990 व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से के स्पॉन्सर और यह योजना 7th 5-year plan में लागू किया गया. अब 5-year plan नहीं है, उसके तहत अब नीति आयोग आ गया जो थिंक टैंक है जो कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी टू द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन. बट दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 7th Planning Commission 1985 and 1999. अब आते हैं PMSSY पे. यह स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 5 year फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 2024-25 यानी 2020-21 से लेकर 2024-25 तक यह स्कीम लागू रहेगा.
स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जो PMSSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यह एक अम्ब्रेला स्कीम है, बट द टू सेपरेट कंपोनेंट कॉल सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें थोड़ा सा देखेंगे दोनों क्या होता है। कई बार क्वेश्चन मेंस में फेम्ड थ्रू द सेंट्रल सेक्टरल स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दिस स्कीम रन बाई सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो थोड़ा सा समझे क्या होता है CSS सेंट्रल सेक्टरल स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर द स्कीम दैट आर इंटायरली एंड डायरेक्टेड फंडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है जो पूरी तरह फंडेड होता है और एग्जीक्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। जनरली इस पे स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है बाय द चूजिंग सेंट्रल लिस्ट से। अब इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नमामि गंगा, नेशनल गंगा प्लान, LPG कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड अदर क्रेडिट ग्रांटेड फंड है। ये सारी सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब आते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है द कॉस्ट ऑफ दिस स्कीम इज बॉर्न ऑन द शेयर्ड बेसिस इन द रेशियो ऑफ 50-50, 70-30, 75-25 और 90-10। अंडर द कॉस्ट रेशियो द लार्जेस्ट पोर्शन इज ऑलवेज बॉर्न बाई सेंटर। इस स्कीम के लार्जेस्ट पोर्शन जो है सेंटर के तहत बॉर्न होती है, और स्टेट का भी कुछ फंडिंग होता है, जैसे कुछ स्टेट 50-50 देते हैं, कुछ स्टेट होता है 70-30, कुछ स्टेट 75-25, कुछ स्टेट 90-10 होता है उनका। जनरली जो होता है हिल स्टेट और नॉर्थ ईस्ट है, और 90-10 या 75-25 होते हैं, और स्टेट 50-50 में करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का कंपोनेंट क्या होता। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज फर्दर सेग्रेगेटेड इनटू द नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड सब कंपोनेंट एक्टिविटी अंडर द फॉलोइंग थ्री ब्रॉड हेड। पहला है इनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसका जो मत्स्य MMSY जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सेंट्रल स्कीम कंपोनेंट में क्या है, इनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट हो उसको आगे बढ़ाना। तीसरा है फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिशरी का जो कुछ मैनेजमेंट है और कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो रेगुलेट करता है उसको अच्छा बनाना। अब इसका आप देखते हैं फंडिंग पैटर्न क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMSSY विल बी इम्प्लीमेंटेड इनटू द फॉलोइंग फंडिंग पैटर्न। अभी हम लोग बात किए हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और द इंटायर प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% सेंट्रल फंडिंग। हम लोग देखें क्या होता है सेंट्रल सेक्टिंग। वेन एवर द डायरेक्टली बेनिफिशियरी ओरिएंटेड दैट इज द इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाई द एंटिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB, द सेंट्रल असिस्टेंट विल बी अप टू 40% ऑफ द यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 60% फॉर SC/ST वोमन कैटेगरी। यह कैटेगरी है जो फंडिंग होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड या सेंट्रल असिस्टेंट विल बी 40% यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल कैटेगरी और 60% फॉर SC/ST एंड वोमन कैटेगरी। अब नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है ये देख लीजिए। चूंकि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन 2006 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह इसके स्थान में 2006 में PT में पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी और यह किस तरह काम करता है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंतर्गत आता। तो यह क्या करता है, या इन्हांस फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एंड टू कोऑर्डिनेट फिशरी डेवलपमेंट इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या करता। फॉर द बेनिफिशियरी ओरिएंटेड द इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटी सब कंपोनेंट एक्टिविटी
and the CSS component will be implemented by the state UT, the government financial assistant for both center and state UT government together will be limited to 40% of the project unit cost for general category. देखिए अभी अब 60% ऑफ द प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट बाय द SC/ST वुमेन, द गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी टर्न बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन फॉलोइंग रेशियो. देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट 90%, सेंट्रल शेयर 10%. हम लोग बात किए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या क्या होता, अदर स्टेट में 60%, सेंट्रल शेयर 40%. उसके बाद यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर 100%, सेंट्रल शेयर नो यूटी शेयर. अब हम लोग इसका बेनिफिट देखते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीटी एज वेल एज द मेंस, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो बेनिफिट एक एक करके देखते हैं. पहला बेनिफिट है एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन द फिशरी सेक्टर एंड रियलाइज इट्स पोटेंशियल, या क्रिटिकल जो गैप है फिशरी सेक्टर का और जो पोटेंशियल है हमारे पास, सेकंड हम लोग आते हैं उसको रियलाइज करेगा पोटेंशियल को. सेकंड है कि अगमेंटिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट द सस्टेंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 9% टू अचीव द टारगेट ऑफ 22 मिलियन मैट्रिक टन बाई 2024-25 थ्रू सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस. अगला है इंप्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड क्वालिटी फिश सीड एंड फीड. दो क्वालिफाइड सीड और फीड जो है उसका खाना भोजन और सीड जो है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ फिश एंड इंक्लूडिंग इफेक्टिव एक्यूटिक हेल्थ मैनेजमेंट, और उसके हेल्थ से रिलेटेड जो है उसको मैनेजमेंट करेगा. अगला है क्रिएशन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसको मॉडर्नाइज करेगा और उसको स्ट्रेंथ करेगा फॉर वैल्यू चेन. अगला क्रिएशन ऑफ डायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अबाउट 15 लाख फिशर्स. अभी 15 लाख फिशर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या करता है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट का अपॉर्चुनिटी देगा. फिश फार्मर, फिश वर्कर, फिश वेंडर और अदर रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन फिशिंग एंड एलाइड एक्टिविटी. फिशिंग के अलावा भी उससे भी एलाइड एक्टिविटी, कुछ फिश पालते हैं, कुछ उसमें उसको ले जाते हैं, कुछ जाल लाते हैं वगैरह. एंड अबाउट थ्राइस देयर दिस नंबर एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग इन्हेंसमेंट ऑफ देयर इनकम, और उनका इनकम को इन्हेंसमेंट करेगा. बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फिशरीज सेक्टर एंड इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट. इन्वेस्टमेंट फिशरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और कुछ कंपेटिटिवनेस इसका इंक्रीज करेगा. डबलिंग द फिशर्स, फिश फार्मर एंड फिश वर्कर इनकम बाय 2024. फिश फार्मर है जो फिश वर्कर है उनके इनकम को 2024 तक दुगुना करेगा. सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फिशर्स एंड फिश वर्कर्स, उनके जो सामाजिक होती है, दैहिक होती है, आर्थिक होती है, वह सिक्योरिटी को वह सिक्योरिटी करेगा. सो दिस इज द क्लास ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.